इनकार नहीं करेगा तो और क्या करेगा बाप? तू मेरे को धमकाता है, गोविलकर मेरा बहुत बुरा करेगा, पर तुम्हारे कहने पर जो मैं करेगा वो भी तो मेरा बहुत बुरा करेगा। अजगर का निवाला बनने से बचने के लिए शेर की गोद में जा बैठना किधर की समझदारी है? एक भेड़ू को मैं जानता नहीं, मेरा उससे कोई अदावत नहीं, कोई लेना देना नहीं, मैं भला क्यों उसका खून करेगा? मैं क्या कोई सुपारी किलर है? नहीं है ना बाप। तुम बोलता है तुम्हारे सब आदमी पुलिस की निगाह में है, इसलिए तुम किसी ऐसे भीड़ों से ये काम कराना मांगता है जिसका तुम्हारे से कोई दूर दराज का रिश्ता भी ना जोड़ा जा सके, जो कि तू है। मैं काहे सुपारी लगाओ ना बाप उसका? नहीं। क्यों, रोकड़ा नहीं भरना मांगता, फोकट में काम कराना मांगता है? तो समझता नहीं है, आजकल सुपारी किलर भी पुलिस की जानकारी में होते हैं। बाहर से बुला लो, वो चक्कर का काम है, जब एक आसान तरीका मेरे सामने है तो। बाप इधर कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए बोलता है मैं एक मामूली ताला तोड़ है, कोई सेफ तोड़वाना हो, कोई वॉल्ट खुलवाना हो तो मेरे को बोलो, जरूर खिदमत करेगा, पर कत्ल नको। तू पागल है, बात को समझता नहीं? बरोबर समझता है बाप, अभी मैं कुछ भी नहीं किए ला है, अभी इंस्पेक्टर गोविलकर के पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो मेरा मुंडी उसके हाथ में है, कुछ करेगा तो, इतना बड़ा काम करेगा तो, तब तो वो मेरे को क्या 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 नहीं करने को बोलेगा, सोच के मेरी रूह कांपती है। तो सच में पागल है, वो तेरे को बोला कि नहीं बोला कि ये काम करने के बाद तू आजाद? बोला, साथ में ये भी बोला कि कोर्ट केस को वापस लेना उसके अख्तियार से बाहर, यानी कि मेरा रोज का उससे माथा, मैं पतंग बन जाएगा बाप, जिसकी डोर उसके हाथ में, जिसे वो जब चाहेगा खींचेगा। अब तेरा जवाब क्या है? वो मोटा झुंझलाकर बोला, मर्डर नको बाप। क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? सॉरी बोलता है बाप, पर ऐसा ही छे। ठीक है, तो फिर इंस्पेक्टर गोविलकर का तेरे लिए एक संदेशा है। बोलो बाप। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कल 11 बजे तेरे को तारदेव थाने की हाजिरी भरने का है, ना पहुंचा तो तू फरार मुजरिम, कोर्ट से तेरा गैर जमानती वारंट गिरफ्तारी, फिर देखना अपनी हालत। देखेगा बाप, जो नसीब दिखाएगा वो देखेगा। अब दफा हो। अपना नाम तो बोलो बाप। कोई जरूरत नहीं, वो पूछेगा मैं किससे मिला तो क्या बोलेगा? बोलना कामरेड साहब से मिला। कामरेड साहब, ये तुम्हारा नाम है? हाँ। कामरेड साहब सलाम बोलता है। उसने दरवाजा खोला और कार से उतर गया। जलानी सिवरी में रहता था, जहाँ की मिनर्वा स्टूडियो के करीब बनी एक 6 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर उसका 2 कमरों का किराए का फ्लैट था। नशे की तगड़ी तरंग में 10:30 बजे के करीब वो वहाँ पहुँचा। इमारत के कंपाउंड में उसने मोटरसाइकिल खड़ी की ही थी कि एक आदमी प्रेत की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ। जलानी ने सिर उठाकर देखा, कुछ नशे की वजह से, कुछ रोशनी की कमी की वजह से वो अपनी निगाह ठीक से सामने फोकस नहीं कर पाया। कौन हो भाई? वो आंखें मिचमिचाता बोला। जलानी? हाँ। पंकज जलानी, एक्सप्रेस वाला भेड़ो? हाँ भाई। इधर कब से तुम्हारा इंतजार करता है बाप, फिर भी शुक्र है जल्दी आ गया, जैसा महक रहा है आधी रात को आता क्या वांदा था, और 2 घंटे बाद आता क्या वांदा था। तुम हो कौन भाई? मेरे को दिलीप भालेकर बोलते हैं। दिलीप भालेकर, बड़ा बटाटा, मधुकर राव साबले एमपी का खास, उसका इंतजार करता था। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारा इधर का पता निकाला। क्या मांगता है? मांगता नहीं, देता है। क्या? अकल, तेरे को अकल है मेरे पास, मेरी जरूरत के लायक? नहीं है, अगर है तो उसमें लोचा। कैसा लोचा? वो तेरे को खाली पीली ऐसे रास्तों पर दौड़ाती है जिधर तेरे को नहीं दौड़ना मांगता। क्या मतलब? ग्रांट रोड के एक फ्लैट में एक भेड़ू जान से गया, तेरा अखी बिरादरी का भेड़ू लोग अपना काम करता है, तू खाली उसके पीछे पड़ा है। जिधर चोरी हो? कोई इस चोरी नहीं है उधर, है भी तो भूल जा। क्या तुम्हारे बोलने से? और तेरे को कोई बोलता दिखाई दे रहा है क्या?
धमका रहे हो मुझे? मैं ऐसे नहीं धमकाता भीड़ू, धमकाने का मेरा स्टाइल जुदा है, देखना मांगता है क्या? दिखाओ। पलक झपकते एक कमानीदार चाकू उसके हाथ में प्रकट हुआ, एक खटाक की आवाज के साथ खुला और उसकी पसलियों में चुभने लगा। अभी जमीन पर से आंते समेटता होगा, बालिका सांप की तरफ फुंकारा। चलानी का नशा उड़ गया। कका क्या करते हो? अभी मालूम नहीं पड़ा क्या? चाकू का दबाव बढ़ा। कक क्या? अपनी अकल से लोचा निकाल, वरना मैं तेरी आंते निकालता है। उससे क्या होगा? जलानी हिम्मत करके बोला। तेरा थोबड़ा बंद होगा, वो तो खुल भी चुका। किसके सामने? उसके सामने जिसके साथ ड्रिंक की पार्टी करके आया। कौन है वो? नाम ले उसका। जब उसको मेरे कत्ल की खबर लगेगी तो जो मैंने उसे बताया है वो दुनिया को बताएगा। कौन है? तेरे जैसा छापे वाला भीड़ो? नहीं बताऊंगा। क्यों? तू जाके उसके साथ भी ऐसे ही पेश आएगा। अब मेरे को अपनी भलाई इसी में दिखाई देती है कि दूसरे शख्स की बाबत तू सस्पेंस में रहे। है इच नहीं कोई दूसरा भीड़ो, तो मार मुझे, काम खत्म कर अपना। भालेकर अनिश्चित सा सोचने लगा। तू बोला तू पार्टी से आया, आखिरकार वो बोला। हाँ, काफी पियला है, कोई दूसरा पिलाए तो मैं जी भर के पीता हूँ। इसका मतलब है छापे में नहीं गया। जालानी सक पकाया। इसका मतलब अभी कल कुछ नहीं छपने वाला। अभी खाना खा के प्रेस में जाऊंगा, जालानी बोला। बंडल मारेला है, मोटरसाइकिल ठीक से खड़ी की नहीं जा रही थी, प्रेस में जाएगा। जालानी खामोश रहा। अपनी कीमत बोल, भालेकर बोला। किस बात की? जान बख्शी की? भालेकर ने चाकू पसलियों पर से हटा लिया। जलानी की जान में जान आई। थोबड़ा बंद रखने की, भालेकर बोला। अब खाली मेरा थोबड़ा बंद रखने की बात नहीं है। है, जो भेड़ो जी भर के विस्की पिलाता है तेरे को, वो तेरा करीबी ही होएगा। तो बोलेगा थोबड़ा बंद रखने का है, तो वो क्यों तेरी बात नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? अरे तू बोल। मानेगा तो फिर क्या वादा है? जालानी खामोश रहा। मेरा बॉस लोग बड़ा लोग, सोसाइटी में बड़ा इज्जत वाला, पब्लिक का लीडर, वो पेरेस के साथ पंगा नहीं मांगता, वरना इतनी बातें किधर जरूरी। मैं तेरे आते ही तेरे को टपका देता, फिर ढूंढता दूसरे को भी, अगर है कोई दूसरा। है ना? है तो तेरी मौत की खबर सुनकर वो क्या करेगा? दौड़ा आएगा, खुद मुंह से बोलेगा कि अभी शाम को तो उसके साथ दारू की पार्टी करता था। वो बोलेगा और मेरा कोई भेड़ो सुनेगा, फिर वो भी शमशान घाट तेरे साथ ही पहुंचेगा। कहना आसान है, हुल मत दे मेरे को। मेरा माथा फिर गया तो जैसा कहना आसान वैसा करना आसान। बोले तो नहीं, मेरे को खून खराबे में कोई वादा नहीं, पर मैं तभी करता है जब जरूरी। तू बोल जरूरी तो मैं करता है। नहीं तो बोल क्या मांगता है? अभी टाइम है, अभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, इसलिए मेरे को सोचने दो। कब तक सोचेगा? कल दोपहर तक। तब किधर मिलेगा? इधर ही। ठीक है, पर कल तेरे छापे में मेरे को कुछ छापा दिखाई दिया तो तेरे वास्ते दोपहर नहीं होएगा। शादी बनाया क्या? हाँ। चिल्लर, एक बच्चा है, बीवी बच्चा इधर साथ ही रहते हैं तेरे। और किधर रहेंगे? बीवी विधवा, बच्चा आधा यतीम। सोचना, सोच के रखना। सोचूंगा, सोच के रखूंगा। अभी जाता है, पिच्छू अकल पुलिस के पास जाने को बोले तो मजे से जाना, मेरे को कोई वादा नहीं। जालानी खामोश रहा। वो जैसे एकाएक वहां प्रकट हुआ था वैसे ही एकाएक वहां से गायब हो गया। जीत सिंह घाट कोपर पहुंचा। वहां उसका निशाना केकी मिस्त्री का निवास स्थान था, जिसका पता उसके फुल हाउस में शेफाली दोरजी को उसके मोबाइल पर फोन लगाने से हासिल हुआ था। केकी की अपाहिज बीवी को हिला उसकी व्हीलचेयर धकेलती बैठक में लाई। जीत सिंह ने दोनों हाथ जोड़े। उसने देखा बेचारी बेवा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, होंठ कागज की तरह सफेद थे और आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। तकदीर की दोहरी मार उसे पड़ी थी,
पता नहीं उस अपाहिज बेवा की बाकी जिंदगी केकी के बिना कैसे कटने वाली थी। उसने जीत सिंह को पहचाना तो उसके आंसुओं का बांध फिर टूट पड़ा। जीत सिंह के मुंह से ढांढस के चंद अल्फाज निकले तो खुद उसका गला रुतने लगा। उस माहौल से उसे हिला ने मुक्ति दिलाई। भाभी को समझाते उसने व्हीलचेयर घुमाई और वापस ले चली। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटी। बैठ जीते, वो बोली। बैठता हूँ, तुम बैठो। दोनों आमने सामने बैठ गए। क्या पुलिस आई? जीते ने पूछा। हाँ, हिला बोली। वही सब इंस्पेक्टर आया जो पहले ये बुरी खबर लेकर आया था। दोबारा क्या करने आया था? अखबार में छपी खबर से हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो समझाने आया। केकी अपनी गलती से मरा, इतना ड्रिंक किया कि टून होके खोश खो बैठा, फिर गलाटा किया और गोली खा किया। क्या तुम्हें यकीन नहीं? कैसे होगा केकी और इतना गैर जिम्मेदार? इम्पॉसिबल। वो फर्जी कहानी है जिसका पर्दाफाश होकर रहेगा। पुलिस होने देगी तो ना? तो भी होकर रहेगा। अपने खुदा से दुआ करो और उसके इंसाफ पर विश्वास रखो। वो खामोश रही। तुम और केकी आपस में बहुत फ्रैंक थे, पढ़े लिखे मॉडर्न लोग होते ही हैं, है ना? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही नहीं अच्छे दोस्त भी थे। वही तो मैं बोला, इसकी वजह से एक बात पूछना मांगता है। क्या? परसों रात केकी के साथ एक फिल्म स्टार जैसी खूबसूरत नौजवान गोवानी लड़की थी, म्यूजिक चैनल की छोकरी लोगों जैसे मॉडर्न रहन सहन वाली और खूब फैशनेबल, बालों की एक लट लाल जो गोल घूमी हुई हर वक्त चेहरे पर लहराती रहती थी, खाने पीने की शौकीन थी और एंटरटेनमेंट के धंधे में थी। पणजी से इधर कोई शो करने आई थी। केकी ने कभी ऐसी किसी लड़की का तुम्हारे सामने जिक्र किया था क्या? उसने बहुत सोचकर जवाब दिया लेकिन इनकार में दिया। हाल ही में ना किया हो? जीत सिंह आग्रह भरे स्वर में बोला। पहले कभी किया हो? नहीं। फिर वो उत्सुक भाव से बोली, कौन है वो लड़की और उसके बारे में इतने सवाल क्यों? जीते, लगता है तेरे को कुछ खास मालूम है। खास तो नहीं, पर इतना मालूम है ऐसी एक लड़की परसों रात केकी के साथ थी, लेकिन हर किसी की हर चंद कोशिश इस बात को छुटलाने की है। परसों रात ग्रांट रोड के जिस बार से केकी के बैडले की कहानी शुरू हुई थी उसमें मैं भी मौजूद था, जबकि केकी उस लड़की के साथ वहाँ पहुँचा था। बार का मालिक मेरे को अंधा बताता है, बोलता है केकी के साथ नहीं थी, अलग से आई थी और उससे पहले चली गई थी। वो खुद क्या बोलती है? मिले तो पता लगे ना कि क्या बोलती है, उसका तो परसों रात से कोई पता नहीं। अगर वो केकी की फ्रेंड थी तो अखबार पढ़ के उसे केकी के अंजाम की खबर तो बराबर लगी होगी, उसे तो खुद सामने आना चाहिए। आना तो चाहिए, पर क्या पता क्या हुआ उसको। जीते, तेरे को उसकी तलाश क्यों है? क्योंकि मेरा दिल बोलता है कि उसे खबर हो सकती है कि केकी के साथ असल में क्या बीती थी। असल में? यू मीन तेरे को भी अखबार की स्टोरी पर विश्वास नहीं? जरा भी नहीं। क्या केकी का मर्डर हुआ है? मेरे को कोई शक नहीं, उस लड़के ने किया जिसके हवाले से अखबार में स्टोरी छपी है और जो किसी बड़े लेबर यूनियन लीडर का बेटा बताया जाता है। और कौन करेगा? और तो कोई उधर था ही नहीं। उस छोकरे ने जानबूझकर केकी को शूट कर दिया और ऐसी स्टोरी गढ़ ली कि सारी गलती केकी की लगे। स्टोरी को ताकत देने के लिए एक चश्मदीद गवाह खड़ा कर लिया। यू मीन वो गवाह भी झूठा है? मुझे पूरा यकीन है उसके झूठा होने पर, क्योंकि वो और कोई नहीं उसी बार का मालिक है जिसमें परसों रात केकी लड़की के साथ गया था और जो किसी वजह से लड़की के वजूद को छुटलाता है। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने असल माजरा देखा हो सकता था, केकी को जानबूझकर शूट किया जाता देखा हो सकता है। हाँ, ऐसा ही ख्याल है मेरा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गायब है नहीं, गायब कर दी गई है। हाँ। ओ, लेकिन जीते, तेरे को इन बातों से क्या मतलब? केकी मेरा दोस्त था, दोस्त के साथ ना इंसाफी हो तो दोस्त का दिल हिलता ही है। बड़े ऊंचे जज्बात हैं। ऐसे जुल्म का कहीं और छोर होना चाहिए। पुलिस इतनी शिद्दत से उस बड़े लोगों के छोकरे को बचाने पर जुटी है कि दुख होता है बल्कि खून खौलता है। जानती हो उस लड़के के बारे में?
जिसका नाम बोली जाधव है, उधर की एक लड़की क्या बोली जिधर केक की ड्रम बजाता था? क्या बोली? बोली गटर कॉकरोच, मर्डरर, कटखाना कुत्ता, फुल बेवड़ा, औरत खोर, पंगे बास, डर्टी रास्कल, स्ट्रीट डॉग, और भी अंग्रेजी में काफी कुछ बोली जो मेरे को भूल गया। हाँ, सन ऑफ बिच, लाइंग बास्टर्ड। ओ, और केकी के बारे में मालूम क्या बोली? क्या बोली? जेंटलमैन, कभी किसी से पंगा नहीं, कभी काबू से बाहर ड्रिंक नहीं, नाइस मैन बोली, डिसेंट मैन बोली, बोली कभी मक्खी नहीं मारा, आदमी कैसे मारेगा? उसकी कोई नहीं सुनता क्या? किसी की कोई नहीं सुनता, खाली उस लड़के की सुनते हैं, क्योंकि वो रसूख वाले लोगों की औलाद है। ये तो पेपर में छपा है किसी यूनियन लीडर का बेटा है और किसी एमपी का भाजा है, लेकिन नाम तो नहीं छपे। नाम मेरे को मालूम, बाप गोदी कर्मचारियों की यूनियन का प्रधान है और नाम छगन यादव है। मामा मधुकर राव साबले है, जो कि मराठा मंच पार्टी का एमपी है। वो चौंकी। मधुकर राव साबले, उसने नाम दोहराया, जो दादर मेन रोड पर एक एंटीक 4 मंजिला इमारत में रहता है। ये मेरे को नहीं मालूम, वहां रहता है। एक पार्टी के एक नाम के 2 एमपी नहीं हो सकते, होते तो मेरे को मालूम होता। वही है मधुकर राव सावले। वही है क्या मतलब? उसने उत्तर नहीं दिया। उसने बीच के उस दरवाजे की तरफ देखा जिससे पार वो व्हील चेयर लुटकाकर ले गई थी। फिर एकाएक वो उठी और लंबे डग भरती उस दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया, उस पर पर्दा खींच दिया और वापिस लौटी। पेपर में मधुकर राव साबले का नाम क्यों नहीं छपा? वो बोली। क्या पता क्यों नहीं छपा? जीत सिंह कंधे उचकाता बोला, छापे वालों की कोई पॉलिसी होती बड़े लोगों का नाम नहीं छापने की। ये एमपी साहब भी उस छोकरे को, बोनी जाधव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? उनका सगा भांजा है, नहीं करेंगे क्या? एक बात बता जीते, किसी ने अपनी सगी औलाद और सगे भांजे में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेगा? मेरे ख्याल से तो औलाद को ही चुनेगा। अगर तेरी बात सच है तो समझ ले मेरे भाई का इंसाफ होके रहेगा। क्या मतलब? वक्त आने दे, मतलब खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर भी ये कि आइंदा दिनों में ऐसे हालात पैदा होंगे कि मेरे भाई का कातिल वो बिगड़ैल लड़का एमपी का भांजा होने को अपना प्लस पॉइंट नहीं अपनी बैड लक समझेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अभी ठीक से मेरी समझ में नहीं आ रहा। जीते, तेरे आने की मेरे को खुशी, अब रात खोटी ना कर। जीता उठ खड़ा हुआ। इधर का फोन नंबर मालूम ना? किधर मालूम, मेरे को तो इधर का पता भी बहुत मुश्किल से मालूम हुआ। मैं देती हूँ। उसने जीत सिंह को लैंडलाइन और मोबाइल दोनों के नंबर लिख दिए। दिलीप भालेकर दादर मेन रोड पहुंचा। इमारत में दाखिल होने पर उस बार भी उसे टॉप फ्लोर पर जाने को बोला गया। लिफ्ट पर सवार होकर वो 4थी मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट के स्थिर होते ही बॉडीगार्ड लाहौटी सहित सचेत हो गया। दरवाजा खुलने पर उसे भालेकर दिखाई दिया तो उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। जाधव साहब आ गए क्या? कलाई घड़ी पर निगाह डालता भालेकर बोला। हाँ, लाहौटी बोला, 5 मिनट हुए, भीतर तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। भालेकर दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। भीतर नेताजी और जाधव एग्जीक्यूटिव टेबल पर आमने सामने बैठे थे। जाधव ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली और फिर इल्जाम लगाती निगाहों से उसकी तरफ देखा। लेट हो गया, भालेकर बोला, सॉरी बोलता है। किधर लेट हो गया? जाधव भुनभुनाया। जिधर लेट हो गया उधर से फोन करके ये भी बोलना पड़ सकता था कि नहीं आना सकता। खुद अपॉइंटमेंट फिक्स किया, खुद मेरे को इधर आने को बोला। छगन, नेताजी दखल अंदाज करते हुए बोले, ये 10 मिनट ही तो लेट है, फिर जो हो सकता था हुआ तो नहीं। पन हमारा ही कोई काम करता होगा, क्यों भालेकर? भालेकर ने सहमति में सिर हिलाया। देखा, जाधव परे देखने लगा। इधर आके बैठ, नेताजी बोला। भालेकर एक विजिटर्स चेयर्स पर ढेर हुआ। अब बोल। एक अखबार वाला कोई पंगा कर सकता है। कौन अखबार वाला? जालानी नाम है, एक्सप्रेस का रिपोर्टर है,
उसको कोई शक इसलिए सूंघता फिरता है। कैसे हो गया शक? अखबार वालों को टिप मिलती ही रहती है। कौन देता है? कोई बताता है, कोई नहीं बताता। उसको गुमनाम टिप मिली जान पड़ती है, इसलिए छापे में जाने से पहले टिप को पक्की करना मांगता है, अपनी खबर को मजबूत करना मांगता है। कोई बड़ा रिपोर्टर है क्या? पर्चा बड़ा है, पुराना रिपोर्टर है। बड़े पर्चे के पुराने रिपोर्टर बड़े ही होते हैं, बड़े भी और मशहूर भी, खूब जाने पहचाने। मेरे को मालूम है, जादवपुर वदभुन बुनाते लहजे में बोला, एक रिपोर्टर शहर में दाएं बाएं भागा फिर रहा है, कई जगह जा रहा है, कई लोगों से मिल रहा है, पर हाथ तो उसके कुछ नहीं लगा। आपको कैसे मालूम? हाथ लगा होएगा तो आपको खबर करेगा क्या? चिट्ठी लिखेगा? अरे वो कुछ बिगाड़ सकता है तो खल्लास कर उसे। अभी मैंने उसकी आंखों के आगे रोकड़ा चमकाया है। रोकड़ा कबूल करेगा तो चुप बैठेगा, नहीं करेगा तो वहीच करेगा। कब जवाब देगा? कल। कल पहले ही उसके पर्चे में कुछ उल्टा सीधा छप गया तो? नहीं छपेगा। तेरे को कैसे मालूम? मालूम? अरे कैसे मालूम? छगन, नेताजी बोला, जब ये बोलता है मालूम तो मालूम। मेरे को शक। ऐसा और कोई पंगा? जादव को नजरअंदाज करता नेताजी अपने ट्रबल शूटर से संबोधित हुआ। और भी है। और भी क्या है? जादव भड़का। हाँ, भालेकर शांति से बोला, तुम्हारे छोकरे की वजह से है। क्या? बोनी बाबा मेरे को काहे नहीं बोला कि शनिवार रात को बार में एक और भिड़ू भी था, जो उसको भी जानता था और केकी मिस्त्री को भी जानता था, और जिसने बोनी बाबा को बराबर मालूम कि उस गोवानी लड़की को केकी मिस्त्री के साथ देखा था। संडे का अखा दिन गुजर गया तो वो जाकर कहीं मेरे को एसटीसी की गोली का इस चोरी बताया। मैं छोकरी को सेट किया, मैं पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को सेट किया, अभी और भी जो सेट होना मांगता होगा करेगा, पर तुम्हारा छोकरा ही पेंडुलम का माफिक झूलना मांगता है तो? जादव आग बबूला हो उठा। वो उछल कर खड़ा हुआ और उसने भालेकर को गले से थाम लिया। ठहर जा साले, वो उसे झिंझोड़ता हुआ कहर भरे स्वर में बोला, फांसी पर झुलाना मांगता है मेरे बेटे को? भालेकर ने बचाव की कोई कोशिश नहीं की। छगन, छोड़ उसे, नेताजी सख्ती से बोला। पर ये छोड़। जादव ने गला छोड़ दिया और वापिस कुर्सी पर ढेर हो गया। तुम दोनों बाप बेटे सच में ही एक जैसे हो, नेताजी अप्रसन्न भाव से बोला। खामखा भड़कते हो और फिर ताकत बताने लगते हो। पहले बिगाड़ते हो, बिगड़ा सवार नहीं सकते हो तो इधर आते हो, फरियाद लेकर आते हो, फिर भी ताकत बताते हो। अब फिर कभी मेरे सामने भालेकर को ऐसे हैंडल करने का नहीं है। अपने पर काबू नहीं रख सकते तो किधर और जाके अपना प्रॉब्लम हल करो। कर सकता हूँ, जादव जबरन जब्त करता बोला, इतना कमजोर नहीं मैं। तो करता क्यों नहीं? करूंगा, मेरे को अपना बेटा सेफ नहीं दिखाई देता तो अपने तरीके से करूंगा। वो जब करेगा तो करेगा, अभी क्या बोलता है? अभी देखता हूँ ये क्या करता है। अब की अक्ल की बात, पर इसको बोलो ये भड़काऊ बातें ना करे। मेरे को, भालेकर बोला, कोई लिस्ट मिला कि बाप कौन कौन सी बात से भड़कता है? लो देखो, जादव फिर भड़का, देखो। भालेकर, नेताजी सख्ती से बोला, सॉरी बोलता है बाप, बदजुबानी नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का बाप। आगे बोल। आगे भी वहीच बोलने का है जो शायद बाप को बुरा लगे। ठीक से बोल। बोलता है बाप, बाप ये नाजुक मामला है जिसमें कमजोर कड़ी बाहर नहीं भीतर है, और वो कमजोर कड़ी अपना बोनी बाबा है। इसी वास्ते मैं इतना एक्सप्रेस जोर दिया कि कुछ वक्त के लिए बोनी बाबा को फौरन मुंबई से बाहर किधर भेजने का था। भेज दिया है, जादव भुनभुनाया, माथेरान भेज दिया है। उधर एक फ्रेंड का बंगला खाली, उधर रहेगा। पर कब तक रहेगा? तब तक जब तक इधर मामला बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ जाता। वो रिपोर्टर, नेताजी बोला, बड़ा पंगा क्या कर सकता है? उसको ये भी मालूम हो गया जान पड़ता है कि बार में केके मिस्त्री के साथ कोई लड़की थी। वो उस लड़की की बाबत सवाल करता फिर रहा है। उसकी हर चंद कोशिश उस लड़की को तलाश करने की जान पड़ती है। वो कर लेगा क्या?
किधर से कर लेगा? वो लड़की तो मेरे कब्जे में है। किसको खबर है? खाली पुलिस को। पुलिस फुल सेट है। फिर खबर कैसे कर लेगा? नहीं कर लेगा। तो फिर क्या वांदा है? अभी कोई वांदा नहीं, तभी तो फौरन नहीं टपकाया। टपकाने की जगह उसके आगे रोकड़ा चमकाया। ठीक किया। नाम क्या है लड़की का? लारा, लारा रेबेलो। ये बोनी बाबा को कमजोर कड़ी बोला, जाधव बोला। असल कमजोर कड़ी वो लड़की है, क्योंकि वो असलियत की चश्मदीद गवाह है। वो कड़ी गायब होनी चाहिए, तभी गारंटी होगी कि खतरा टल गया। क्या खल्लास करने को बोल रहे हो बाप? हाँ, उसमें लोचा है। क्या? अभी मालूम नहीं वो कौन है। उसके कोई बड़े कॉन्टेक्ट निकल आए या किसी बड़े आदमी की सगी वाली निकल आई तो हंगामा। यूं केस थाने से निकलकर किधर ऊपर पहुंच गया तो हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। ये ठीक कहता है, नेताजी बोला। ऐसा हो जाने पर ये कवर अप के लिए कमिश्नर को रिश्वत ऑफर करने नहीं पहुंच सकता। या पहुंच सकता है छगन? नहीं, जाधव बोला। लेकिन उसका गायब होना भी तो हंगामा खड़ा कर सकता है। उसका मेरे पास हल है। क्या हल है? वो शुक्रवार गोवा से इधर आई थी और काम से इधर आई थी। अभी सोमवार रात ही हुई है। इतने में उसके सगे वाले उसे गायब नहीं मान सकते। मैंने मालूम किया है कि उसके सगे वालों में खाली उसकी माँ है, जो कि पैरनेम में रहती है। वो खुद पणजी में काम करती है, इसलिए उसका घर से बाहर रहना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास वास्को डिगामा के करीब एक सेफ जगह है। अगले हफ्ते मैं उसे वहाँ पहुँचा दूंगा। वहाँ मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि वो माँ से चिट्ठी पत्री भी करती रहेगी और टेलीफोन पर बात भी करती रहेगी। माँ की तसल्ली हो जाएगी कि बेटी को अब वास्को डिगामा में जॉब मिल गई थी और वो निश्चिंत हो जाएगी। माँ बेटी का हैंडराइटिंग पहचानती होगी, आवाज पहचानती होगी। लड़की को चिट्ठी लिखने को कैसे तैयार करेगा? फोन करने को कैसे तैयार करेगा? मेरा काम है ना, करेगा। ऐसा कब तक चलेगा? चलने का तो सालों साल चल सकता है, पर मेरे को 6 या 7 महीने चलाने का होगा। इससे बहुत बहुत पहले लोग इस वारदात को पूरी तरह भूल चुके होंगे और लड़की का कोई तार मार मरने वाले से जोड़ पाना मुमकिन नहीं रह जाएगा। लड़की का तब क्या होगा? तब तक वो हवाओं के हिंडोलों पर झूलने की पूरी तरह से आदी हो चुकी होगी। क्या वो ड्रग एडिक्ट है? मैं बनाएंगा ना, बनाना चालू कर भी दिया हुआ है। ओ, फिर एक रोज कहीं किसी कार या ट्रक व्रक से कुचली जाएगी और पोस्टमार्टम पर पता लगेगा कि हेरोइन के फुल नशे में थी। ये इंतजाम भी तू करेगा क्या? तो और कौन करेगा? अभी क्यों नहीं करता? कार से हिट का इंतजाम 6 महीने बाद कर सकता है, तो अभी क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, पर अभी लाश पहचानी जाएगी। मालूम पड़ जाएगा कि वो वही लड़की थी जो एक रात को शो करने गोवा से मुंबई आई थी और शनिवार शाम को केकी मिस्त्री के साथ थी। झलानी चुटकियों में सब माजरा भाप जाएगा। फिर प्रेस पुलिस के सिखाई नहीं सीखेगी कि उन्होंने क्या छापना है। एक बार ये बात तूल पकड़ गई कि वो वही लड़की थी जो बोरी बाबा की असल करतूत की पोल खोल सकती थी और उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसका एक्सीडेंट स्टेज किया गया था, तो मेरे संभाले भी कुछ नहीं संभलेगा। मैं झालानी का मुंह बंद कर सकता है, पूरे मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकता। तुम्हारे को ये खतरा मोल लेने का है तो बोलो। खतरा ये भी तो है कि वो छापे वाला कहीं लड़की को ढूंढा निकाले। ऐसा नहीं होगा बाप, मैं गारंटी करता है किसी को उसकी हवा भी नहीं मिल सकती। है कहाँ वो लड़की? बाप गुस्ताखी माफ, तुम्हारे को भी नहीं बताने का है। क्या बात जुबान से निकल जाती है? तेरे मुंह से नहीं निकल सकती क्या? नहीं। तू क्या समझता है अपने आप को और क्या समझता है मेरे को? बाप फिर शुरू हो गए। जब तू छगन चुप कर, नेताजी बोला, जरा मेरे को बोलने दे। जाधव खामोश हो गया। भालेकर इधर मेरी तरफ देख। बोलो बाप। तेरी बातों से लगता है वो अभी इधर मुंबई में या मुंबई के आसपास ही कहीं है। ऐसा ही छे बाप।